नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम वेज चीज़ डोसा बनाएंगे। वेज चीज़ डोसा दिल्ली में स्ट्रीट फूड के रूप में बिक रहा है और ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो आइए देखें वेज चीज़ डोसा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये डोसा बैटर लिया है हमने, 2 कप डोसा बैटर ले लिया है। 1 टमाटर बारीक काट लिया है, 1 शिमला मिर्च बारीक काट ली है और 1/2 कप हमने स्वीट कॉर्न के दाने ले लिए हैं, ये उबाले हुए हैं। 3-4 टेबल स्पून तेल लिया है, 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1/4 कप हमने चीज़ लिया है कद्दूकस किया हुआ और 1 हरी मिर्च ले ली है बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस कर लिया है, 3/4 छोटी चम्मच नमक लिया है और 3/4 छोटी चम्मच चाट मसाला लिया है। तो वेज चीज़ डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम डोसा बैटर में थोड़ा सा नमक डाल करके मिलाएंगे। तो इसमें करीब हम 1/3 छोटी चम्मच नमक डाल करके मिला लेते हैं। नमक को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम वेज चीज़ डोसा बनाएंगे। हमने तवा गरम कर लिया है, ये नॉन स्टिक तवा लिया है हमने। 2 चमचे बैटर तवे पर डालेंगे और चमचे को गोल गोल घुमाते हुए डोसा फैलाएंगे। डोसा फैलाते समय तवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना डोसा पतला नहीं फैला सकते। अब आग हम थोड़ी तेज़ कर देंगे और डोसे के चारों ओर तेल डालेंगे। थोड़ा सा तेल डोसे के ऊपर भी डाल देंगे। डोसे के ऊपर सबसे पहले थोड़ा थोड़ा चाट मसाला छिड़केंगे, कॉर्न के दाने डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, टमाटर डालेंगे। ये फिलिंग हम आधे डोसे पर डालेंगे क्योंकि डोसे को हमें मोड़ना है। थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा अदरक डालेंगे और अब चीज़ डालेंगे और डोसा सिक गया है, हम इसे पलट लेंगे। बिल्कुल हाफ फोल्ड कर लेंगे और कलछी से थोड़ा दबा कर इसके किनारों को चिपका लेंगे। डोसे को इसे और थोड़ा सा पलट के थोड़ा और क्रंची कर देंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। गैस बिल्कुल हमने कम कर लिया है, डोसा हमारा एकदम क्रंची हो जाएगा। डोसा बन चुका है, डोसे को हम निकाल करके प्लेट में रखेंगे। वेज चीज़ डोसा तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट वेज चीज़ डोसा बना है। हमने इसमें शिमला मिर्च और टमाटर लिए हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें सब्जियां ले सकते हैं, जैसे कि बारीक कटा हुआ पालक ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं या फूल गोभी ले सकते हैं बारीक कटी हुई, कैबेज लिया जा सकता है। तो जो भी आपको सब्जियां पसंद हो वो सब्जियां आप इसमें डाल सकते हैं। आप ये डोसा बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्च मत डालिए क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खा पाते। वेज चीज़ डोसा को टमाटो सॉस या हरे धनिया की चटनी के साथ परोसिए। आप वेज चीज़ डोसा बनाइए और खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।